तुम समस्त भिडियो को स्वागत। आज यह भिडियो आम एपरी एक चतुर्भुज या शिखा जार चारोटी बाहू और गोटे कर्णर माप जना अपर्यंत आम बहुभुज चतुर्भुजर कोणर जोग गुणधर्म और विभिन्न चतुर्भुज गुड़ी सामंतरिक क्षेत्र रम्बस आयत क्षेत्र और वर्ग क्षेत्र विषय जाणि सारिछे। तुमे पूर्वरु चतुर्भुज विषय बहुत किछि जाणिछ कारण तुमे सेगुड़ी को निज आखपाखरे सबुबेले देखुछ। एठारे किछि उदाहरण अछि जहाँ विषय तुमे जाणिछ। एही समस्त आकृति रे तुमे चतुर्भुज देखि पारुछ। एबे प्रश्न हेउछि जे चतुर्भुज किपरि तयारी हुए, आस देखिबा कौन तुम्हें कहीपर जे चतुर्भुज केतोटी कोण बाहु ओ कर्ण थाए। साबास, चतुर्भुजर चारोटी कोण चारोटी बाहु ओ दुईटी कर्ण थाए। एक अबिकल चतुर्भुज तैयारी पाई केतोटी मापर मूल्य जानिबा दरकार हुए। बिल्कुल ठीक, एक अबिकल चतुर्भुज पाई जेकोणसी पांचोटी माप बाहु कर्ण और कोण जानिथिबा जथेष्ट, जहाँ त्रिभुजर असमता और चतुर्भुजर कोण जोगफल गुणर शर्त को पूरण करे। कौन तुम्हें कहीपर जे एक चतुर्भुजर अंकन केतेबेले करा जाई पारिबो? तेबे आस समस्त स्थिति को एही प्रकार रे लेखिबा। एक चतुर्भुजर अंकन करा जाई पारिबो जदि ताहार चारोटी बाहुर मूल्य ओ गोटीए कर्णर मूल्य दत्त थिबो। दुईटी कर्ण ओ तीनोटी बाहु दत्त थिबो। दुईटी सन्निहित बाहु ओ तीनोटी कोणर माप दत्त थिबो। जेतेबेले तीनोटी बाहु ओ सेमानंक मध्यरे दुईटी कोणर माप दत्त थिबो। एही वीडियो रे आमे एपरी एक चतुर्भुज अंकन करिबा जहार चारोटी बाहु ओ गोटीए कर्ण दत्त थिबो। आस एहाकु एक उदाहरण साहाज्यरे बुझिबा। मने कर चतुर्भुज ए बी सी डी रे ए बी समान 4 सेंटीमीटर, बी सी समान 2.5 सेंटीमीटर, ए सी समान 5 सेंटीमीटर, सी डी समान 6 सेंटीमीटर ओ ए डी समान 3 सेंटीमीटर अटे। कौन तुमे चतुर्भुज ए बी सी डी तैयारी करि परिबो? एही चतुर्भुज तैयारी पाई तुमे जे कोनोसी बाहुरु आरंभ करि परिबो। मने कर बाहु ए बी रु आरंभ करिबा। एक नमूना आकृति तैयारी कर। आमे जानिछे जे चतुर्भुजर एक कर्ण एहाकु दुईटी त्रिभुजरे भाग करे। जेपरी एठारे कर्ण ए सी चतुर्भुज को त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज ए डी सी रे भाग करे। आमे देखि पारुछे जे त्रिभुज ए बी सी ओ ए डी सी रा अंकन त्रिभुजर असमता अनुसारे संभव, कारण प्रत्येक दुईटी बाहुर समष्टि तृतीय बाहुठारु अधिक अटे। चल सर्वप्रथमे त्रिभुज ए बी सी तयारी करिबा। बाहु ए बी समान 4 सेंटीमीटर तयारी कर। बी को केन्द्र भावी 2.5 सेंटीमीटर व्यासार्धर एक चाप टाण। एबे ए को केन्द्र भावी 5 सेंटीमीटर व्यासार्धर एक चाप टाण। चापद्वय छेद कले आमको एक बिंदु मिले जहाँ आमे सी द्वारा नामित करदेबा। बिंदु सी को बिंदु ए और बी सह जोड़ी दियो।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ମିଳେ। ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ ଭାବିପାରିବ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି କୁ କିପରି ତିଆରି କରିବା? ସାବାସ, ଏ ଓ ସି ରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଚାପ ଟାଣିବା। ଚାପଦ୍ୱୟ ଛେଦ କଲେ ଆମକୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡି ଦ୍ୱାରା ନାମିତ କରିଦେବା। ବିନ୍ଦୁ ଏ ଓ ସି କୁ ଡି ସହ ଯୋଡ଼ିଦିଅ। ଏ ଡି ସମାନ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ସି ଡି ସମାନ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି ମିଳିଯାଏ, ଯାହା ସହ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ବି ସି ଡି ର ଅଙ୍କନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତୁମେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ଏ ବି ସି ଡି ହେଉଛି ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏକ ଏପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଲେ ଯାହାର 4ଟି ବାହୁ ଓ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ମାପ ଆମକୁ ଜଣାଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା।